हेलो फ्यूचर स्टार्स, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर स्टार्स क्रिकेट क्लब। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज मैं बात करूंगा आपसे कि हाउ टू सेलेक्टेड इन अंडर 14, अंडर 16 और अंडर 19 में। तो मैं मुद्दे पे आता हूं कि कैसे सिलेक्शन हो आपका। पहले मैं अंडर 14 और अंडर 16 की बात करूंगा। अंडर 14 में जो नए बच्चे होते हैं, सबसे बड़ी गलती वो ये करते हैं कि वो अपनी तैयारी सही तरीके से नहीं करते ट्रायल्स के लिए। तैयारी सही तरीके, मेरा कहने का क्या मतलब है, क्योंकि तैयारी तो सभी लोग करते हैं जो ट्रायल्स दे रहे हैं, उसमें 70% रोज एकेडमी जाते हैं और प्रैक्टिस भी रेगुलर करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ क्या आती है कि जब भी कोई बच्चा अगर अंडर 14 का हो या 16 का हो, उसके अंदर उतनी मैच्योरिटी नहीं होती। आप अगर आप भी 16 में हो तो अगर आज से ही आप ये तैयारी कीजिए कि जब भी आप एकेडमी जाएं तो आप किस पे काम करें। सबसे ज्यादा आपको काम करना है अपने डिफेंस पे, अपने ड्राइव पे और अपने टेक्निक पे। आप बैट्समैन हो और आप एकेडमी जाते हो तो शुरू के 5-10 मिनट वी में खेलते हो या सही तरीके से खेलते हो, लेकिन जब आप कुछ देर सेटल हो जाते हो, जब आपको बॉल अच्छी दिखने लगती है, आपकी बैटिंग अच्छी होने लगती है, तो आप गलत तरीके से शॉट खेलते हो। तो अगर आप अंडर या 14 में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो पहली चीज कि आप ये आंद्रे रसल की 6 सिटिंग देखना छोड़ दीजिए, डिविलियर्स का 360 देखना छोड़ दीजिए और एमएसडी का हेलीकॉप्टर देखना छोड़ दीजिए। आपको क्या करना है, आपको बेसिक्स करना है, विराट कोहली की कवर ड्राइव और फ्रंट फुट डिफेंस, बैक फुट डिफेंस, इस पे फोकस करना है। आपको अपना फ्रंट फुट गेम भी इंप्रूव करना है, आपको बैक फुट गेम भी इंप्रूव, आपको अपनी हिटिंग एबिलिटी नहीं मजबूत करनी है अंडर 14 और 16 में, क्योंकि आप 3 दिन तभी सर्वाइव करोगे जब आपके पास टेक्निक अच्छी होगी। और टेक्निक अच्छी के लिए क्या कहता हूं, डिफेंस। और मेरी एक और सलाह है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब होती है, जैसे आप शुरू के 10 ओवर अगर निकाल दिए, मान लीजिए अगर आप बैट्समैन है, ये ट्रायल्स मैच आपको मिल गया और शुरू के आप 10 ओवर निकाल दिए, उसके बाद प्रॉब्लम कब आती है, जब स्पिनर लग जाते हैं। जब स्पिनर लग जाते हैं तो आपके सामने क्या रहता है, फॉरवर्ड शॉर्ट लेग, बैकवुड शॉर्ट लेग और सिली पॉइंट। जब ये लगता है, जब फील्डर आपको क्लोजिंग फील्डर आगे आ जाते हैं, तब आपकी परफॉर्मेंस, आपको जैसे अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि मेरा डिफेंस प्रॉपर नहीं है, मैं डिफेंस करने जाऊं स्लिप पॉइंट पे कैच आउट हो जाऊं, फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पे कैच आउट, किस लिए? आप ये आपके साथ क्यों हो रहा है कि जब आप तैयारी करने जाते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा डिफेंस नहीं करते। मेरी एक और राय है कि जब आप हफ्ते में एक बार कम से कम आप फॉरवर्ड शॉर्ट लेग और शॉर्ट लेग लगवाकर सिर्फ डिफेंस की प्रैक्टिस करें, क्योंकि उससे आपको क्या होगा कि जब आप प्रैक्टिस में उस तरीके से तैयारी करेंगे तो आप जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो लगातार 1-2 कैच पहले जाना स्टार्ट होगा कि आप फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पे कैच हो रहे हैं, फिर धीरे धीरे आप अपना बॉटम हैंड ढीला छोड़ना स्टार्ट कर देंगे। इससे आपको क्या फायदा बेनिफिट मिलेगा कि आप आउट नहीं होंगे, स्पिनर को आउट नहीं होंगे। आप शुरू में आपकी टेक्निक अच्छी है तो आप मीडियम पेसर निकाल देते हैं, लेकिन जब स्पिनर्स आते हैं फॉरवर्ड शॉर्ट लेग देते हैं तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि बड़े शॉट्स लगाएं। और जब आप बड़े शॉट्स लगाने जाएंगे, कोई अच्छा स्पिनर है जिसके पास वेरिएशन है, तो आप उसको 1 ओवर 2 ओवर या 3 ओवर में उसकी हिटिंग कर सकते हैं, उसको हिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी डिफेंस की टेक्निक पे विश्वास होना चाहिए, और डिफेंस की टेक्निक पे आपको तब बिलीव होगा जब आप लगातार नेट्स में घंटे 2 घंटे लगातार डिफेंस फॉरवर्ड शॉर्ट लेग या शॉर्ट लेग रख के करेंगे। और इस तरीके से आप अपनी तैयारी कीजिए, उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन जरूर अंडर 16 और 14 होगा। और 19 के लिए थोड़ी आप और तैयारी कीजिए। 19 के लिए क्या है, आप उसमें डेज के साथ साथ वनडे भी है, और वनडे में है तो आपको क्या करना है, उसमें आपको थोड़ा अटैकिंग भी खेलना है, मतलब इतना नहीं कि रिस्क लेना है, रन स्ट्राइक रोटेट सही तरीके से सीखना है कि बस स्ट्राइक रोटेट करना जानते रहे बीच में, क्योंकि आप बड़े शॉट्स लगा हमेशा नहीं लगा सकते, तो आप स्ट्राइक रोटेट करना सीखिए। और कोशिश कीजिए कि बीच के ओवर में, जैसे पावर प्ले खत्म होने के बाद 10-12-15 ओवर के बाद जब फील्ड खुलती है तो उस समय आप सिंगल लेकर अपना इनिंग्स बिल्ड करें। आप इनिंग बिल्ड जान जाएंगे तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी अंडर 19 में भी। लेकिन 16 और 14 के लिए आपको सिर्फ एक बात ध्यान देना है, आपकी डिफेंसिव टेक्निक अच्छी होनी चाहिए। और एक बात मैं और आपसे कहूंगा, जो मैं आज के नए प्लेयर्स में देख रहा हूं अंडर 14 16 19 लेवल के हैं, जब वो बॉल लीप करते हैं, क्योंकि आप
डिफेंस के साथ साथ जो बाहर की बॉल हो, जो फिफ्थ सिस्टम की और सिक्स सिस्टम की बॉल, उसको छोड़ना अच्छी तरीके से आना चाहिए। और छोड़ना आपको किस तरीके से है? छोड़ना आपको पुराने तरीके से है, जैसे राहुल द्रविड़ छोड़ते थे, या नए में मैं देखता हूं बॉल सबसे अच्छी छोड़ता है यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल जब छोड़ता है तो देखता हूं बॉल कवर करता है, इस तरीके से छोड़ता है और बॉल लास्ट तक देख रहा है, जैसे आप विकेट कीपर के हाथ में जाते हुए और एकदम लास्ट तक उसकी निगाह बॉल पे होती है। आपको स्टीवन स्मिथ की तरह बिल्कुल नहीं छोड़ना है, वो अलग टेक्निक के हैं। 100 में से या हजार, मैं ये कह सकता हूं कि 1,00,000 में से एक स्टीवन स्मिथ है वो बॉल लीव करना है। आपको बिल बॉल लीव करने पे भी अपने वर्क करना है, और उस पे वर्क किस तरीके से करना है, पुराने ट्रेडिशनल वीडियोस आप देखिए राहुल द्रविड़ के, कि राहुल द्रविड़ कैसे बॉल छोड़ते थे, सचिन तेंदुलकर कैसे बॉल छोड़ते थे, या फिर ब्रायन लारा कैसे बॉल छोड़ते थे, या पॉन्टिंग कैसे बॉल छोड़ते थे, इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो बॉल लास्ट तक देखते थे। और क्योंकि आप 2020 का जमाना है, लेकिन 14-16 आप तभी खेल सकते हैं जब आपकी डिफेंसिव टेक्निक अच्छी हो, आप सर्वाइविंग स्किल आपके अंदर हो, आपके अंदर टेम्परामेंट हो, और उसके साथ साथ आपको बॉल छोड़ना अच्छी तरीके से आता हो। तो आप इन बातों को ध्यान दीजिए, जब क्योंकि COVID-19 आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आया है कि आपको तैयारी करने का एक्स्ट्रा मौका मिलेगा, क्योंकि ट्रायल्स अब मान के चलिए कि कम से कम 4-5 या 6 महीने बाद होंगे, तो जो गलती आप पहले कर रहे थे वो मिस्टेक अब नहीं करेंगे। आप ये गांठ बांध लीजिए, यही आपके सक्सेस का मंत्रा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए इस पे, और कमेंट में यह भी बताइए कि आपको अगला कंटेंट कौन सा चाहिए, क्योंकि मैं एक पूरी सीरीज मैं 2 वीडियो लाया हूं और आगे भी स्पिन पे लाऊंगा। पहले रिस्ट स्पिन है, उसके बाद फिंगर स्पिन है, बैट्समैन के लिए भी मेरा कंटेंट है और विकेट कीपर के लिए भी है और बॉलर्स के लिए भी है, और बीच में एक वीडियो मैं डालूंगा कि जिसमें यह बताऊंगा कि बॉलर्स कैसे सेलेक्ट हो, ट्रायल्स में बॉलर्स कौन सी मिस्टेक करते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब, आपकी क्रिकेट इंप्रूव होगी। और कमेंट में आप बताइए आपको क्या कंटेंट चाहिए।